सारे भारत में पूज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो देवता है, इसकी हम कल बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा पूज्य जो देवता है वो शिव है। बड़े बड़े महलों में शिव की आराधना की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ श्रृंगार किए हुए लगे होंगे। शिव की सारी पंचायत बैठी होगी, पार्वती हैं, उनको अच्छे अच्छे जेवर पहना के बिठा रखे होंगे। और सबसे छोटा आदमी जो है, गरीब से गरीब, जो सड़क पर जंगल में झाड़ू लगाता है, जंगल को साफ करता है, वो भी एक पेड़ के नीचे, और उसने छोटा सा लिंग ला करके वहाँ स्थापित कर लेता है और रोजाना उस पर जल चढ़ा देता है। तो चाहे ऊंचा से ऊंचा महल हो, चाहे नीचे से नीची जगह हो, शिव सब जगह आराध्य हैं। गरीब के घर में भी, अमीर के घर में भी, सब जगह आराध्य हैं। इसी तरह से भगवान शंकर जो हैं, ऊंचा और नीचा नहीं देखते। भगवान शंकर ऐसे हैं, ये इन्होंने, जैसे हमने बताया था कि दक्षिण शिव जो हैं, ये तमिल छविज में ज़्यादातर जो इनके मठ हैं वो नॉन ब्राह्मणों के हाथ में ही हैं, उनको नयनार कहते हैं। तो ये जाति पाति को नहीं मानते किसी तरह भी, ये जाति पाति के विरुद्ध करके, और सारे जितने इनके मठाधीश हैं वो सारे ऐसे हैं जो नॉन ब्राह्मण, एक आध मठ है ब्राह्मणों के हाथ में, बाकी सभी इसमें हैं। तो इनके मंदिरों पर, तमिल शैव के मंदिरों पर लिखा होता है, बिना जात पात की किसी के मंदिर में प्रवेश, सब प्रवेश कर सकते हैं, शूद्र भी प्रवेश कर सकता है। तो जो ऐसा देवता जो शूद्रों को भी प्रवेश करा लेता है, शूद्रों को भी अपने साथ बिठा लेता है, शूद्रों से भी अपना पूजन स्वीकार कर लेता है, उसे ज़रूरत नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, और उसे बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो भी उसे पूजते हैं। तो जिस देवता के मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो सब जगह पूज्य है। तो तमिल से वो चलते हैं, शैव संप्रदाय, जैसे हमने कहा द्रविड़ से शुरू हुआ है, वो तमिल से शुरू होता है, दक्षिण से शुरू होता है, और बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाता है, वो ऊपर तक पहुँच जाता है, कश्मीर तक पहुँच जाता है। तो कश्मीर शैव बड़ा श्रेष्ठ दर्शन माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ दर्शन है। कश्मीर शैविज्म के कई नाम हैं, कई नामों से ये प्रसिद्ध है। कश्मीर शैव दर्शन, स्पंद दर्शन, तिरक दर्शन, त्रंबिकम दर्शन, तो इन नामों से सारा। और उसके बाद जो इसका सबसे विकसित रूप है वो है प्रतिभिज्ञा दर्शन। प्रतिभिज्ञा दर्शन को बहुत श्रेष्ठ दर्शन माना जाता है। तो पांच नामों से दर्शन प्रसिद्ध है, और पांचों तरह के इसमें तत्व मिले हुए हैं। इनको तिरक दर्शन क्यों कहते हैं, इनको शैव तो पता ही है, कश्मीर शैव क्योंकि शिव की पूजा करते हैं, इसलिए प्रतिभिज्ञा दर्शन क्यों कहते हैं, ये सारे इसके अंदर मिले हुए हैं। तो इस तरह से जो हैं ये सारे हैं। अब इनका जो मूल आधार है वो शिव स्रोत हैं। वसव गुप्त एक बहुत बड़े विद्वान और बड़े सन्यासी तपस्वी, वसव गुप्त को स्वप्न में भगवान शंकर ने स्वयं दर्शन दिए, और दर्शन दे करके उन्होंने शिव सूत्र की बोलना शुरू किया। तो वसव ने वो दर्शन सारा स्वप्न के अंदर उसको याद रख लिया, और जैसे ही जागे उन्होंने सूत्रबद्ध करके संसार कर कि ये भगवान शंकर के मुख से निकले हुए। तो इसलिए ये जो शिव शैव सिद्धांत वाले हैं कश्मीर वाले, ये उनके शिव सूत्रों को अपना आधार मानते हैं। वैसे भी ये आगमों को मानते हैं, वेद को प्रमाण नहीं मानते, ये आगम को प्रमाण मानते हैं। आगम प्रमाण है, इसलिए तंत्रों के साथ भी मिले हुए हैं। तो इनके यहाँ जो तर्क बना है, कौन सा तर्क बना है, इनके यहाँ एक तर्क ही बना है, शैव सिद्धांत, मालिनी तंत्र और तंत्रागम, वाम आगम जिसको कहते हैं, ये तीनों मिलकर के तर्क बन जाता है इनका। इसलिए इनको कहा ये तर्क दर्शन है, फिलॉसफी, तर्क फिलॉसफी है, यानी तीन चीज़ें जो मुख्य मुख्य हैं,
उसमें आ गया सबसे पहले तो शिव सिद्धांत आ गया, उसके बाद आ गया इनके अंदर मालिनी तंत्र, और फिर उसके बाद आ गया वामक तंत्र। तो इन तीनों को मिलकर के, इन तीनों के आधार पर ये खड़े होते हैं। अब यहाँ हम शुरू से ही देखते हैं कि इनको पराकाष्ठा पर कौन ले गया। छठी सदी में ये वसव गुप्त जो हैं, इनको दर्शन हुए थे, शिव सूत्र रखे, बड़े बड़े इनके कई आचार्य हुए। सब आचार्यों का वर्णन तो, एक एक आचार्य का वर्णन बड़ा लंबा हो जाएगा, कौन आचार्य ने क्या क्या किया। लेकिन जो दसवीं सदी में आकर के सबसे श्रेष्ठ जो विद्वान हुए वो अभिनव गुप्त हुए। अभिनव गुप्त जो हैं अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक हैं। उनको दर्शन में नहीं, उनको तीन क्षेत्रों में बहुत मान्यता मिली हुई है। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने जो काव्य के छंदों की रचना की है, और उन छंदों के अंदर काव्य को बांध करके, वो ऐसा लगता है कि उस काव्य से आदमी को, अगर उनके अभिनव गुप्त के काव्य को आदमी पढ़ ले तो सारे के सारे रसों का अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा, किसी रस को थे। तो काव्य जगत में छंद का भी इनका ऐसा छंद है इनके, जिन छंदों को बड़ा दुरूह मानते हैं, अभिनव ने काव्य में उन छंदों पर रचना कर दी। इसी तरह से रसों के बारे में अगर आदमी को थोड़ा सा भी भ्रम हो तो अभिनव गुप्त का काव्य शास्त्र जो उन्होंने लिखा है काव्य का, उस काव्य को जब लिखेंगे देखेंगे तो पता लग जाएगा। और उसके बाद उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में आए, फिलोसफी के क्षेत्र में आए। तो फिलोसफी में आकर के उन्होंने क्या किया, ये प्रतिज्ञा दर्शन, प्रतिभिज्ञ दर्शन है, इसका इन्होंने बहुत दर्शन बड़ा भार लिख दिया, उसका नाम रखा प्रतिभिज्ञा दर्शनी। वो ग्रंथ जो है फिलोसफी का बहुत ऊंचा ग्रंथ है, प्रतिभिज्ञा दर्शनी जो है इनका ग्रंथ, वो सारे जितना भी इनका प्रतिभिज्ञा दर्शन है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि और जितने भी पहले दो चार बड़े बड़े आचार्य हुए उन सब का समावेश करके, और उनमें जो जो कमियाँ थोड़ी बहुत दिखाई देती थी या दूसरे लोग उन पर आक्षेप कर रहे थे या उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उन सब का समाधान करके ये प्रतिभिज्ञा दर्शनी जो इन्होंने किताब लिखी है, ग्रंथ लिखा है, ये बड़ा उच्च कोटि का दर्शन, और उसमें वो सारी कमियां पूरी हो गई हैं जो पिछले पूर्ववर्ती आचार्यों के थोड़ी बहुत रह गई थी कमी। और तीसरा क्षेत्र है इनका तंत्र का। तंत्र के बहुत सारे, जैसे हमने अभी कहा कि इनका जो तर्क दर्शन में दो तंत्र तो आ ही गए, वामक तंत्र भी आ गया, मालिनी तंत्र भी आ गया, लेकिन ये सब छोटे मोटे तंत्र हैं। इन तंत्रों में श्रेष्ठतम तंत्र, जिस तंत्र की बहुत ही ऊंची प्रतिष्ठा है तांत्रिक जगत में और तांत्रिक साहित्य में, वो है इनका अभिनव गुप्त का तंत्रालोक। तो तंत्रालोक और प्रतिभिज्ञा दर्शनी और शैव सिद्धांत, ये सारे काव्य सिद्धांत, तो ये सारे जो हैं एक उच्च कोटि की रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। तो इन्होंने उस दर्शन को बहुत ऊंचे दर्शन पर ले गया, कश्मीर शैव इनको ये ले गए हैं हमारे अभिनव गुप्त जी। अब इस सारे दर्शन में हमें क्या दिखाई देगा, स्पंद। इस दर्शन का नाम स्पंद दर्शन भी है। शिव स्पंद शक्ति से बंधे हुए हैं, अभियोज्य है वो शक्ति। स्पंद का मतलब होता है हिलना। तो इससे क्या पता लगता है कि शिव जो हैं वो क्रिया शक्ति से आच्छादित हैं। ये ब्रह्म की तरह से, जैसे ब्रह्म है कि वो न करता है न भोगता है, ये इस तरह से नहीं है। शिव जो हैं उनके अंदर क्रिया शक्ति, स्पंद शक्ति है। ये स्पंद शक्ति ही शिव से सारी क्रिया कराती है। जब ये स्पंद शक्ति सारे पुरुष से विकसित होती है तो सारे जगत की सृष्टि होने लगती है, और यही स्पंद शक्ति जो है फिर लय का कारण बन जाती है। तो इन्होंने पहले स्पंद के बारे में बात की कि स्पंद शक्ति क्या है, स्पंद शक्ति की बहुत चर्चा उसमें भी करके इन्होंने, और फिर ये कहा कि ये जो हमारा दर्शन है ये अद्वैत दर्शन है। शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, ये अद्वैत है। इसी तरह से जीव और, जैसे हमारे ब्रह्म
सूत्र वाले मानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ऐसे ये जीव को भी मानते हैं कि जीव जो है वो भगवान शंकर का से अलग नहीं है, भगवान शिव और जीव। और जीव के बारे में ये मानते हैं कि जीव अगर पाश में भी बंधा हुआ है, सारे मल जो हैं जीव के अंदर घुसे हुए हैं, तब भी जीव जो है वो, जैसे शंकर वाले कहते हैं कि जीव जो है वो तो माया ने उत्पन्न किया है, ये माया से उत्पन्न नहीं मानते, जीव भी रियल है, उसका अस्तित्व रियल है, जीव को भी रियल मानते हैं। इसी तरह से जगत को भी भगवान की लीला से उत्पन्न मानते हैं, इसलिए जगत के भी मिथ्या नहीं कहते शंकर की तरह जगत मिथ्या, लेकिन ये अपने आप को अद्वैतवादी मानते हैं। अद्वैत इसलिए कि ये इनमें कोई भाव नहीं करते, जीव में और शिव में कोई भेद नहीं है। अज्ञान के कारण से क्या होता है, प्रतिविज्ञा का अर्थ ये है, प्रतिविज्ञा का अर्थ होता है पहचानना। हम एक आदमी को मिले, 8-10 साल के बाद उसे मिल रहे हैं और भूल गए हैं, और फिर वो आदमी कहता है कि मैं वो हूँ जो गीता स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ता था रमेश, तो फिर ध्यान आता है, ओहो पहचानते हैं। तो प्रतिज्ञा का मतलब होता है पहचानना, जो जिसको हम भूल गए हैं उसको पहचानने का काम। तो ये प्रतिज्ञा दर्शन जो है सारा इसी तरह का है, अज्ञान के कारण से जीव अपने आप को ये भूल जाता है कि मैं ही शिव हूँ, अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है, पहचानता ही नहीं। और जब वो जब तक वो उसके सामने प्रकट ना हो तब तक वो पहचानेगा ही नहीं उसको, क्योंकि अज्ञान में फंसा रहेगा। तो इस अज्ञान का आवरण हटने के लिए, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी। जब इस अज्ञान का आवरण हटना शुरू होता है हमारे पास से और ज्ञान का प्रकाश आना शुरू होता है, तो जीव अपने आप को पहचानना शुरू करता है, और पहचानते पहचानते जीव जो है वो पहचानने लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ, कि माया की क्रिएशन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुछ। तब गुरु के मुख से वही शब्द निकलते हैं जो वेदांत में, अंतर इतना है कि वेदांत में गुरु कहता है अहम ब्रह्मास्मि, और यहाँ गुरु कहता है शिवोहम शिवोहम। बिल्कुल वही चीज़ है जो वेदांत में है, बिल्कुल, कि वहाँ अंतर इतना है कि वहाँ ब्रह्म है या शिव है। तो जब वो अपने आप को पहचान लेता है कि मैं तो शिव हूँ, और वो घोषणा कर देता है कि मैं तो शिव हूँ, अज्ञान के कारण से अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहा था, आज अपने स्वरूप को पहचाना हूँ। इसके लिए पुराण में तो कहानी है, इनके यहाँ कोई ऐसी कहानी नहीं है प्रतिज्ञा में, लेकिन पुराण में तो कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है, कि एक शेरनी जो थी उसके शावक पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, इतने में शिकारी के बंदूक की आवाज़ सुनाई दी, तैड़, तो शेरनी भाग ली वहाँ से, और वो कोई बच्चा था अभी पैदा हुआ था, वो भाग नहीं सकता था, वो रुक गया। इतने में कुछ लोग गीदड़ आए, और उन गीदड़ों ने क्या काम किया कि उसको चाटा छूटा, तो बच्चा जो था उन्हें बड़ा सुंदर सा लगा, गीदड़ों से अच्छा कोई गीदड़ की खाल तो और तरह की बड़ी अच्छी, तो गीदड़ों ने उसको खाया नहीं, उसको उठा करके अपने साथ ले आए, और अपने साथ ला करके गीदड़ों में पलने लगा। उसकी वाणी भी गीदड़ों जैसी हो गई, उसका भोजन भी गीदड़ों जैसा हो गया। तो वो जब बड़ा हुआ तो डरपोक भी गीदड़ों की तरह, कुत्ते आए तो भाग ले उनसे, तो शेर जो है उसका शिकार है, गीदड़ बहुत अच्छा पसंद करते हैं, तो शेर जब आए गीदड़ों को खाने के लिए तो उन्होंने पकड़ लिया इसको पीछे से। अब ये गीदड़ों की चराने रोने लगा, तो शेर ने कहा कि तू रो रहा है, तू गीदड़ नहीं है। तो गीदड़ों की भाषा में और रोया चिल्लाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उसे ले गए पकड़ करके कि नदी के किनारे, और नदी के किनारे खड़े होकर कहा कि अपना रूप देख तू क्या है। जैसे ही उसने अपना रूप देखा तो उसे लगा कि मैं तो गीदड़ नहीं हूँ, मैं तो अभी गीदड़ों को देखता था, गीदड़ों के साथ रहता था, और गीदड़ों के साथ रह करके मेरे अंदर ये गीदड़ों जैसी सब चीज़ें आ गई, मेरा रूप फिर उसने मिलाया।
कि मेरा मुंह और ये शेर जो मुझे पकड़ के लाया, इसका मुंह एक सा है। और जैसे ही उसने अपने आप को पहचाना, वो गीदड़ों की वाणी छोड़ करके वो सिंह की तरह। तो ये हमारे यहाँ बहुत कहानी हमारे यहाँ बहुत चलती है पुराणों में, बिल्कुल इसी चीज़ को ये कहना चाहते हैं। ये कहानी तो वहाँ नहीं है कश्मीर शैविद में, लेकिन वो इसी चीज़ को कहना चाहते हैं कि जब तक आदमी को उसके रूप की पहचान नहीं कराते, प्रतिविज्ञा, प्रतिविज्ञा मतलब भूले हुए आदमी को पहचान कराना। आप भूल गए किसी कारण से, मैं बार बार कहूँगा नहीं, आप विकास हो, आप विकास हो, आप विकास हो, और थोड़ी देर बाद आपको ध्यान आ जाएगा विकास हो, ओहो मैं तो बहुत बड़ा आचार्य हूँ, एक स्कूल में पढ़ाने वाला, मैं तो भूल गया था अपने आप को। तो जब तक वो दर्शन न कराया जाए, ये दर्शन कौन कराएगा? तो प्रतिज्ञा ये प्रतिविज्ञा वाले कहते हैं कि दर्शन गुरु कराएगा। जब कराएगा? जबकि आपने अपने प्रयास से अपने आप को शुद्ध कर लिया। वेदांत में वो जो दिए हुए हैं उन्हीं को किसी दूसरे रूप में दूसरे नाम से इन्होंने कर दिया है, लेकिन पहली चीज़ वही है जो वेदांत में कही गई थी। वेदांत में पहली चीज़ कही गई है कि अंतःकरण को शुद्ध करो। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप गुरु अपने मुख से आपको ज्ञान नहीं देगा। और यहाँ भी यही है कि अपने आप को तपस्या से क्या करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। उसके ढंग वेदांत में तो दिए हैं, बहुत लंबे चौड़े इनके यहाँ भी दिए हैं, वो दूसरे तरीके के हैं। तो इन्होंने अपने आप को पहले शुद्ध करना है। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ये भी मानते हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और गुरु देख लेगा कब इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तब गुरु के मुख से निकलेगी आवाज़ निकलेगी सोहम। और जैसे ही गुरु के मुख से आवाज़ निकली, अज्ञान का अंधकार एकदम दूर। गुरु की वाणी प्रकाश मानी जाती है, गुरु के मुख से निकले हुए शब्द प्रकाश हैं। और जैसे ही गुरु देखेगा कि अब इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब प्रकाश को रिसीव तो वही करेगा जिसके अंदर शक्ति हो प्रकाश को रिसीव करने की, जिसके अंदर शक्ति नहीं है तो प्रकाश को भी वापस कर देगा। किसी ठोस चीज़ पर प्रकाश डालो तो वो प्रकाश उसको चमका तो देगा, लेकिन वो प्रकाश को लौटा नहीं सकता। तो प्रकाश को ग्रहण करने की जिसमें शक्ति होगी, वो है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। तो अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु के मुख से निकलेगी आवाज़, और उसी समय जीव और शिव बिल्कुल एकाकार हो जाएंगे। जीव कहने लगेगा मैं ही शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। इसके बारे में भी हमने कल थोड़ी सी बात की थी कि शिवोहम को ही उल्टा करके हंस शिव, हंस परमहंस हैं ये शिव। वो परमहंस का मतलब ही कोई भी हंस तो और परमहंस तो एक ही चीज़ हुई। जब आप मिल गए शिव के साथ और शिव के साथ मिल करके आप शिवोहम बन गए, तो चाहे 108 लगाओ चाहे 1008 लगाओ, तो यही मतलब एक ही मतलब है। तो ऐसे ही जो परमहंस बन गया, जो हंस बन गया, हंस का मैं उल्टा कर दिया, सा पहले कर दो सा हम तो हंस हम सा हम सा। तो ये प्रार्थना इसी को जाप करते हैं सोहम सोहम। और जब सोहम हो गया तो अद्वैत बन जाएगा, शिव और शिव और शक्ति और जीव ये सब मिलकर के तीनों एक हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। ये स्थिति जो है ये परम अवस्था की स्थिति मानी जाती है। अब इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या करना पड़ेगा। शिव की शक्तियों का ज्ञान करना पड़ेगा, शिव की कौन कौन सी शक्ति है, शिव के कौन कौन से रूप हैं। तो प्रतिविज्ञा दर्शन वालों ने कहा कि शिव के दो रूप हैं, दो रूप में शिरगा सर हमारे सामने दिखाई देते हैं शिव। एक को इन्होंने कहा प्रकाश और एक को कहा उन्होंने विमर्श। विमर्श का मतलब छाया, उस प्रकाश की जो छाया पड़ती है वो विमर्श कहलाती है। ये जो प्रकाश और विमर्श का जो सिद्धांत है इनका, शैव लोगों का तंत्र का, ये तो तंत्र कहलाता है। दक्षिण वाले इसको वो, पश्चिम वाले अमेरिका वाले इसको तंत्र कहते हैं। तो कहते हैं प्रकाश और विमर्श का सिद्धांत वही है शैव इनको, इन्होंने जो दिया है, जो आज 20वीं शताब्दी में फ्रायड ने दिया, सबसे बड़ा जो साइकोएनालिस्ट है दुनिया का, उसने यही दिया कि हमारी जो शक्ति है उसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का सिद्धांत आज तक किसी को पता ही नहीं था दुनिया में, और अनकॉन्शियस बड़ा पावरफुल है। अनकॉन्शियस के अंदर सारी
दमित इच्छाएं रहती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ जो है पाश्चात्य लोगों ने यहाँ से ले ली, और उन्होंने कहा चूँकि वो विमर्श जो है वो छाया के रूप में है, इसलिए विमर्श जो है काली है, और प्रकाश जो है गौर वर्ण, ये प्रकाश जो शिव है, तो शिव जो है वो चेतन स्वरूप है, और ये जो है ये अवचेतन है, ये प्रकाश जो है। इस अवचेतन को जगाएंगे, जब आप इस विमर्श को जगाएंगे, तब आपको लिखेगा कि अब हम शिव के साथ मिलने के योग हो गए। तो शिव के दो हिस्से इन्होंने बना दिए, प्रकाश बना दिया और विमर्श बना दिया। और प्रकाश को ऐसा कहा कि प्रकाश जो है उसकी उपमा किस चीज़ से दें हम, जो प्रकाश तत्व है, तो उन्होंने कहा प्रकाश तत्व की उपमा दर्पण से दी जा सकती है। दर्पण हर चीज़ को प्रकाशित कर देता है, जो भी चीज़ दर्पण के सामने आएगी उसको फौरन प्रकाशित कर देगा। तो ऐसी जो भी चीज़ शिव तत्व के सामने आएगी सारा जगत प्रकाशित हो जाएगा। तो ये प्रकाश और विमर्श की शक्तियाँ जो हैं, इन शक्तियों पर हमें विचार करना है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है, इन शक्तियों पर हमें विचार करना है। तो इस विचार को हम विस्तार से फिर कल करेंगे, सारी शक्तियाँ भगवान शंकर की, उन पर हम विचार करेंगे, भगवान शिव की शक्तियाँ। लेकिन ये इनका एक बात है कि शंकर को तीनों रूप में मानते हैं। शंकर का एक रूप जो है शंभू, शंकर और शिव, ये तीनों रूप में मानते हैं। शिव माने कल्याण करने वाला, तो प्रतिज्ञा दर्शन वाले कहते हैं शिव कल्याण करने वाला है। शिव शंभू हैं, शम माने शमन करना, शांत करना। कोई अग्नि लग रही है, उस अग्नि में हम जल रहे हैं सारे के सारे, ताप में जल रहे हैं, दुखों का ताप है, पर मुसीबतों का ताप है, तो शंभू शांत हो जाए, शमन करके शम करने वाला वो शांत। शिव का स्वरूप जो है प्रतिज्ञा दर्शन में बड़ा शांत स्वरूप है, तो शांत करने वाले शंभू। और ऐसे ही शंकर, शम करोति, शम का मतलब शमन करना, जो हमारी ऐसी बुरी इच्छा हमारे मन में घुस गई हैं या हमारे बुरे विचार आ रहे हैं, उन सब का शमन करके मन को शुद्ध कर देना। तो भगवान के तीनों रूपों को ये मानते हैं सारे के सारे। अब हम भगवान की शक्ति, प्रकाश, विमर्श, इन सिद्धांतों पर विस्तार से विचार करेंगे, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। शंकर शिव शिव शैव दर्शन ने बहुत समय ले लिया है, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे संक्षिप्त करने की, लेकिन हमारे विकास जी का यह था कि शैव दर्शन को ज़रा विस्तार से कर देना, नहीं तो दो ही दिन में ख़त्म कर देते। अब हम ये जो सारी शक्तियाँ हैं भगवान की, पाँचों शक्तियाँ हैं, पाँचों शक्तियों को लेकर के फिर उसके बाद विमर्श में और प्रकाश में क्या क्या कर्म होता है कि इनको लेकर के, और उसके बाद फिर हम मोक्ष की तरफ पहुँचेंगे। और जब मोक्ष की तरफ पहुँच जाएंगे तो शैव दर्शन हमारा कश्मीर शैव जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने मोक्ष भी तो करानी है आदमी की। जो दक्षिण वाले वीर शैव मोक्ष करा सकते हैं और उसके लिए भक्ति का मार्ग बता सकते हैं, तो उत्तर वाले भी तो कोई मार्ग बताएंगे मोक्ष का। तो हम मोक्ष पे पहुँचेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कल ही इसको समाप्त कर दें, ज़्यादा लंबा ना करें। फिर भी पाँच शक्तियाँ हैं, दो शिव के रूप हैं, इन सबको हम, स्पंदन भगवान शंकर का है, स्पंद उनकी शक्ति है, तो स्पंद से ही सारा जगत चलता है। तो स्पंद का भी थोड़ा सा, स्पंद की थोड़ी सी चर्चा तो हमने कर ली कि स्पंद शक्ति से शिव बंधे हुए हैं, क्योंकि स्पंद शक्ति शिव से अयोज्य है, कभी भी शंकर से अलग नहीं हो सकती। वो शक्ति अगर अलग हो गई तो सब शिव की क्रियात्मक खत्म हो जाएगी, शिव क्रिया नहीं कर सकेंगे, जड़ हो जाएंगे शिव। इसलिए थोड़ा सा स्पंद पर भी विचार कर लेंगे। तो इन चारों, इन सारी चीज़ों पर हम कोशिश ये करेंगे कि कल ही इनको समाप्त कर दें, और अगर नहीं हो कर सकें इतनी चीज़ें सारी चीज़ें, तो एक दिन और ले लेंगे आपसे क्षमा याचना करके कि शैव दर्शन को हमने बहुत लंबा कर दिया। धन्यवाद।